नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया। आज के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। सीएम योगी ने स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख ग्रामीणों को उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री योगी ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वह अधिक से अधिक शोध पत्र लिखें, नए शोध कार्यों और अनुभवों को सामने लाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन देने का लिया निर्णय, आदिवासी महिला के पक्ष में बताया फैसला। जिलाधिकारी अनु सिंह ने एलिया ब्लॉक के भोगीपुर और देवई गांव का किया औचक निरीक्षण, कमियां मिलने पर संबंधित को फटकारा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृद्धा आश्रम नैमिषारण का जाना हाल। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा 26 जून 1975 को देश में जबरन थोपे गए आपातकाल के विरोध में भाजपा ने मनाया काला दिवस। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता ने बताया 28 जून को अपराह्न 5 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में होगी जिला उद्योग बंधु की बैठक। ब्लॉक एलिया के शहादत नगर गांव में सीडीओ अक्षत वर्मा ने पंचायत भवन में मिनी स्टेडियम का फीता काट कर किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिलाने वाला ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब गड़बड़ करके या एक ही जमीन कई लोगों को बेचने वालों की खैर नहीं है। जमीन के दस्तावेज होने से अब बैंक लोन भी आसानी से मिल सकेगा। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार किए जाने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैज्ञानिकों से आह्वान किया है कि वह जिस क्षेत्र में है वहां अधिक से अधिक शोध पत्र लिखें, नए शोध कार्यों और अनुभवों को सामने लाएं, नए शोधार्थियों को उनके बारे में बताएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल में शोध पत्रों का प्रकाशन कराएं, शोध कार्यों का पेटेंट कराएं, इससे हम आगे बढ़ेंगे। शनिवार को AKTU में शुरू हुए 2 दिवसीय विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, ज्ञान जहां से भी आए उसे ग्रहण करना चाहिए, यही वैज्ञानिक दृष्टि है। हमारे यहाँ मंत्रों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण झलकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में बसपा को न बुलाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि हमें सरकार और विपक्ष ने अलग थलग कर रखा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का षड्यंत्र देखने को मिला। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपने मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ना तो भाजपा या NDA के समर्थन में है और ना ही विपक्ष के खिलाफ। हम एक आदिवासी समाज की योग्य और कर्मठ महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने शनिवार को एलिया ब्लॉक के भोगीपुर प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। लाइब्रेरी के रखरखाव व परिसर में गंदगी देख वीडियो एलिया को सफाई कराने के निर्देश दिए। बंद पड़े हैंड वॉश व शौचालय में गंदगी और नल की पाइप टूटी देख सही कराने को कहा। DM का पारा उस वक्त हाई हो गया जब वीडियो विकास सिंह सेक्रेटरी नन्हे लाल को विद्यालय की साफ सफाई व नल सही कराने का आदेश दे रहे थे, वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक अलाउद्दीन को हंसी आ पड़ी, जिस पर DM ने कहा, तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो। फटकार लगाते हुए वीडियो से बोले, इनका तुरंत बेहटा अटैचमेंट कर दीजिए। DM ने पंचायत भवन के सचिव कक्ष में सिर्फ मेज पड़ी देखी तो DM ने कहा, हवा में उड़ते हो। देवई गौशाला में हरा चारा व भूसे का स्टैक ना देख नाराजगी जताते हुए एक बीमार गोवंश की हालत देख पशु चिकित्सा अधिकारी एलिया संजय सिंह को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान DDO राकेश पांडे, SDM सदर अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। हाइड्रोलॉजिस्ट भूगर्भ जल विभाग खंड लखनऊ विश्वजीत सिंह ने बताया कि राज्य भूजल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए जनपद सीतापुर में वर्षा जल संचयन
भूगर्भ जल संरक्षण एवं भूगर्भ जल पुनर्भरण के लिए क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को भूगर्भ जल विभाग खंड लखनऊ द्वारा 30 जून तक आवेदन आमंत्रित है। प्राप्त समस्त आवेदनों में से उक्त क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किए जाने हेतु किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिलाधिकारी द्वारा राज्य भूजल पुरस्कार 2022 हेतु नामित किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्वजीत सिंह हाइड्रोलॉजिस्ट के ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर 9452573999 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश कुलदीप कुमार के निर्देशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर की सचिव सुदेश कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृद्धाश्रम नैमिषारण तहसील मिश्रिक का हाल बिंदुवार जानकारी लेकर अंतवासियों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार अधिनियम 2007 में प्रदत्त समस्त कानूनों की जानकारी विस्तृत रूप से बताई गई। निरीक्षण के समय सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई तथा वृद्धजनों के खान पान के बारे में वीडियो कॉल पर उपस्थित केयरटेकर को निर्देशित किया गया कि वे वृद्धजनों की आवश्यकता अनुसार उन्हें खाना परोसे तथा उनकी चिकित्सा इत्यादि पर विशेष ध्यान दें। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि मई 2022 के आवंटन के सापेक्ष नैफेड द्वारा आपूर्तित वस्तुएं आयोडाइज नमक साबुत चना व रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित माह जून 2022 के नियमित खाद्यान्न के साथ किया जाएगा, जिसका वितरण माह जुलाई 2022 के प्रथम वितरण चक्र में कराया जाएगा। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं एवं समस्त क्षेत्रीय पूर्त निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वह उक्त के संबंध में संबंधित कार्ड धारकों में प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार द्वारा 26 जून 1975 को लोकतंत्र का गला दबाकर देश में जबरन थोपे गए आपातकाल के विरोध में भाजपा ने काला दिवस मनाया। जिला पंचायत के नेहरू हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी रहे स्वर्गीय प्रकाश नाथ मल्होत्रा की पत्नी मीरा मल्होत्रा, पूर्व एमएलसी व वरिष्ठ भाजपा नेता लोकतंत्र सेनानी भरत त्रिपाठी, ओम प्रकाश गुप्ता, लोकतंत्र सेनानी परिषद के अध्यक्ष संत राम त्रिवेदी, अब्दुल सत्तार अंसारी, राधेश्याम मिश्रा, अली अहमद सहित 70 से अधिक लोकतंत्र सेनानी व उनके आश्रितों को अंगवस्त्र व चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सरकार बचाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीका अपनाने का काम किया है। इस मौके पर विश्राम सागर राठौर, राजेश्वर रस्तोगी, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, राजेश शुक्ला, इंदु सिंह चौहान, जया सिंह, कंचन प्रभा पांडे, आकाश अग्रवाल, संदीप अवस्थी, मनोज मिश्रा, रामजीवन जायसवाल, संतोष पांडे आदि मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज आशीष गुप्ता ने बताया कि उद्योगों के पक्ष में त्वरित स्वीकृतियां जारी एवं उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शासन द्वारा गठित जिला उद्योग बंधु सिंगल विंडो व निवेश मित्र की बैठक 28 जून को अपराह्न 5 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत की जा रही है, जिसमें उद्यमियों की समस्याओं एवं उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समस्त सदस्यों उद्यमियों से अनुरोध किया है कि नियत तिथि स्थान व समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नवागांव के प्राथमिक विद्यालय प्रथम में संचारी रोगों पर नियंत्रण को लेकर बैठक हुई। प्रधान जनक कुमारी सिंह ने कहा कि ग्रामीण अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जलभराव ना होने दें। सचिव दिनेश वर्मा ने कहा कि स्वच्छ समाज के साथ लोगों को स्वस्थ रहने की परिकल्पना से हमें काम करना चाहिए। बैठक में प्रधानाध्यापक शिवेंद्र मिश्रा, अध्यापक वृद्धराज रेणु देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कांति सिंह, ग्राम पंचायत सदस्य आशा देवी, शियारानी मालती, रूपेश कुमार, राम सहाय, सुंदरी देवी, रमापति ब्रजमोहन आदि मौजूद रहे। स्वेच्छाग्राहियों ने अपनी लंबित मांगों व बकाया भुगतान को लेकर कसमंडा ब्लॉक में एडीओ आईएसबी शिवप्रकाश दुबे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि विगत 3 माह से अभी स्वेच्छाग्राही ब्लॉक से जिले तक अनवरत प्रोत्साहन राशि भुगतान पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बकाया प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली है। स्वेच्छाग्राही दुर्गेश सिंह, गुफरान अशोक, शिखा, ऋषु, प्रेमा आदि ने बताया कि 1 जुलाई से सभी स्वेच्छाग्राही कसमंडा ब्लॉक मुख्यालय पर अनाश्रित कालीन धरना शुरू करेंगे।
4 जुलाई को सभी स्वच्छाग्रही ब्लॉक मुख्यालय से सीतापुर के लिए पैदल रवाना होंगे। जिलाधिकारी से अपना दर्द बताकर न्याय की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के जन्मदिवस पर सिधौली के भाजपा युवा नेता निशांत मिश्रा व मनीष पांडे ने अपने अन्य साथियों के साथ लखनऊ स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर बधाई दी और उपहार भेंट किया। मनीष पांडे ने माला पहनाकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को जन्मदिवस की शुभकामना दी। जन्मदिवस के अवसर पर ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना की। ब्लैक लहरपुर के पतवारा निवासी रोहित ने अपनी पत्नी अनीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। ईएमटी विपिन कुमार व चालक विकास शुक्ला गांव पहुंचे और प्रसूता को लेकर सीएससी लहरपुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में महिला को अचानक प्रसव पीड़ा बढ़ गई, जिस पर ईएमटी विपिन कुमार ने तत्काल एम्बुलेंस रुकवा कर आशा विभा देवी के सहयोग से सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव कराने के बाद जच्चा बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती करा दिया गया, जहां पर दोनों लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस सराहनीय कार्य की एम्बुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर मुकेश सिंह व जिला प्रभारी हिमांशु चौधरी ने ईएमटी विपिन कुमार व चालक विकास शुक्ला की सराहना की है। भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष प्रभात अग्नोत्री व युवा समाज सेवी सागर गुप्ता ने सीतापुर जिले के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता अमर बलिदानी कैप्टन मनोज कुमार पांडे की 47वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सागर और प्रभात ने अपने साथियों के साथ कैप्टन मनोज पांडे स्मारक की साफ सफाई पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, महज 24 वर्ष की युवा अवस्था में कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देकर देश का मान बढ़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को हम बारंबार नमन करते हैं। इस मौके पर राहत गुप्ता, आयुष गुप्ता, सुमित गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता, रंजीत निषाद, रंजय पाल, राम खिलावन पाल, संदीप मौर्य, हसीब गाजी, राहुल सानू, अभिषेक वर्मा, वैभव मिश्रा आदि लोगों ने भी शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली सोनी किन्नर व उनके साथियों पर दूसरे समुदाय की किन्नरों द्वारा पूजा मंदिर को हटाने व अपना धर्म ग्रहण करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित किन्नर द्वारा बिस्वा पुलिस को तहरीर दी गई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंत में परेशान होकर पीड़ित किन्नर द्वारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से संपर्क किया गया। बजरंग दल प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह, विभाग अध्यक्ष विपुल, संगठन मंत्री कमलेश, नगर अध्यक्ष प्रमोद सहित साहिल बजरंगी व रवि बजरंगी द्वारा पीड़ित किन्नरों से मिलकर पूरे विषय का संज्ञान लिया गया। फिर बिस्वा पुलिस से संपर्क कर कार्यवाही की मांग उठाई गई। बिस्वा पुलिस ने दोषियों के खिलाफ धर्मांतरण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस विषय पर बजरंग दल में रोष व्याप्त है और पदाधिकारियों का कहना है कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बजरंग दल आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। पूर्व प्रधान स्वर्गीय ब्रज बहादुर लाल श्रीवास्तव, चंदकली श्रीवास्तव व विनीत श्रीवास्तव की स्मृति में पहल संस्था सीतापुर तथा बी ओम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक मछरैटा के कैमा गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। पहल संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रचित निगम, बी ओम संस्था अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि इस कैंप में लगभग 250 लोगों को सीधा लाभ मिला गया। डॉक्टर कौशल वर्मा, डॉक्टर कुलदीप वर्मा, डॉक्टर हिमांशु वर्मा, डॉक्टर पीयूष वाजपेयी, डॉक्टर मनीष वर्मा, डॉक्टर अतुल कुमार, राजा राम, उदित कुमार, अंकित द्वारा खून की जांच, दवाइयां व चिकित्सीय सलाह दी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आफताब खान, महामंत्री तालिब खान, कोषा अध्यक्ष वीरेंद्र भारती, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष आदर्श मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अमन कुमार, जिला मंत्री भानु यादव, रोशन कश्यप, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राम कुमार श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ब्लॉक मछरैटा की ग्राम पंचायत फतेह नगर में नोडल अधिकारी जिला भूमि संरक्षण अधिकारी राजित राम वर्मा की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया, लेकिन
इस जन चौपाल में आधा दर्जन विभागों ने प्रतिनिधियों ने हिस्सा ही नहीं लिया और ना ग्राम सचिव व प्रधान को इसकी जानकारी दी। जब जन चौपाल में कुछ विभागों के अधिकारी गांव फतेहनगर पहुंचने लगे तो ग्रामीणों को जानकारी हुई कि गांव में जन चौपाल है। फिलहाल गांव में पहुंचने वाले अधिकारियों में से एडीओ आईएसबी अनिल कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी राजित राम वर्मा, पशु चिकित्सक डॉक्टर रितेश, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रमोद मौर्य, समाज कल्याण सचिव रंजीत कुमार, एडीओ कृषि मुकेश कुमार, लघु सिंचाई से अजय पाल, सहकारिता से मयंक वाजपेयी के अलावा ना तो इस जन चौपाल में बीडीओ आए और न ही ग्राम सचिव। इसके अलावा आंगनबाड़ी नलकूप चालक, खंड शिक्षा अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, अवर अभियंता, जल निगम अधिकारी, सीडीपीओ लेखपाल, एएनएम व आशा बहु भी नदारद रही। स्वास्थ्य अस्पताल अभियान टीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा के अधीक्षक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरा में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। संयोजक हरीश शंकर गुप्ता ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टिकरा में संशोधनों की कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जन मानस को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय न होने से केंद्र पर होने वाले मरीजों, तीमारदारों, डॉक्टरों को दिक्कत होती है। जो शौचालय है वह प्रयोग लायक नहीं है। वार्डों में गंदगी व स्टाफ नर्स की तैनाती भी नहीं है। केंद्र पर टीकाकरण, एम्बुलेंस, एक्सरे, डॉक्टरों का नाम, समय सारणी का बोर्ड, स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित योजनाओं का बोर्ड पर अंकन कराने, केंद्र पर स्वास्थ्य व साफ पानी बिजली न होने की परिस्थितियों में इन्वर्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग टीम के द्वारा की गई है। इस मौके पर अयूब खान, पंकज भारतीय, शिव कुमार कठेरिया, अतुल त्रिवेदी, मोहनुद्दीन अंसारी, अख्तर अली सुपकरण आदि मौजूद रहे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद के चेयरमैन आर के वाजपेयी ने बताया कि कॉलेज की इंग्लिश मीडियम ब्रांच के कक्षा 8 के विद्यार्थी यश श्रीवास्तव ने पंजाब प्रांत के जालंधर में आयोजित 11वीं वेविनम नेशनल ओपन चैंपियनशिप मार्शल आर्ट में अपनी ही आयु व सब भार वाले महाराष्ट्र प्रांत के प्रतिभागी को पराजित कर कॉलेज का नाम, माता पिता, टीचर सहित जनपद व प्रदेश के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिलाने का कार्य किया है। शनिवार को कॉलेज आए यश पिताजी पंकज व मौसा सुनील श्रीवास्तव का माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर कॉलेज के प्रधानाचार्य आर के वाजपेयी ने सम्मानित किया। इस मौके पर डिप्टी मैनेजर वागीस दिनकर, जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य एस आर वर्मा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में किसानों एवं संबंधित हितधारकों की ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में क्षमता विकास हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक एवं सीनियर काउंसलर विशाल कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। साथ ही टिकौली ग्राम सभा के प्रधान अखिलेश कुमार, प्रगतिशील किसान अशोक कुमार सिंह उर्फ मुन्ना भैया, नीरज कुमार मिश्रा, रामकली एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर वी के सिंह को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथियों अखिलेश कुमार, अशोक कुमार सिंह, रामकली ने किसानों से ऊर्जा संरक्षण द्वारा बताई गई बातों पर अमल करने के लिए अनुरोध किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अमरनाथ सिंह, डॉक्टर उमेश सिंह, ऋचा सिंह एवं अभिषेक कुमार सिंह के साथ 55 महिला पुरुष किसानों ने प्रतिभाग किया है। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत जसरथपुर में नोडल अधिकारी बीएसए अजीत कुमार की अध्यक्षता में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने केंद्र व प्रदेश शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सभी लोगों को जानकारी दी, जिसमें विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वच्छ शौचालय सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर निस्तारित करने का प्रयास भी किया गया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, संयुक्त खंड विकास अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, अमित चतुर्वेदी, अमित साहू, प्रशांत प्रदीप तथा प्रधान रामपाल उपस्थित रहे। ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत जलालीपुर देहात के इस्माइलपुर में नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी हरगांव अवध प्रताप सिंह ने जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं को सुना तथा उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्य रूप से बिजली संकट का मुद्दा छाया रहा। इस मौके पर एडीओ समाज कल्याण विशाल जायसवाल, एडीओ सहकारिता राम निवास
राणा, खंड शिक्षा अधिकारी भरत लाल वर्मा, पशु चिकित्सा अधिकारी हरगांव एसके श्रीवास्तव, बाल विकास परियोजना अधिकारी हरगांव अवर अभियंता, लघु सिंचाई सचकांत सिंह, अवर अभियंता नलकूप प्रधान अकील अंसारी आदि मौजूद रहे। लहरपुर के मोहल्ला चिक्की टोला निवासी व नगर पालिका परिषद लहरपुर में सफाई नायक पद पर कार्यरत राम जीवन बाल्मीकि को उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने जनपद सीतापुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। रामजीवन चौधरी बाल्मीकि के मनोनयन पर जहां एक तरफ नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी में उल्लास है, वहीं इनके मनोनयन पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सदस्य विधान परिषद मोहम्मद जासमीर अंसारी ने भी प्रसन्नता जाहिर की है। इसके साथ ही प्रदेश महामंत्री वेद प्रकाश वाल्मीकि, प्रदेश कोषाध्यक्ष विनय गौतम व संयोजक मोती लाल वोहरा आदि ने मनोनयन पर हर्ष व्यक्त कर बधाइयां दी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई के द्वारा सीतापुर नगर में स्थित महावीर पार्क में ताइक्वांडो के छात्रों के साथ नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। छात्रों को कैप्टन मनोज कुमार पांडे के जीवन से परिचित कराया गया। इस अवसर पर नगर संगठन मंत्री श्याम, नगर सह मंत्री अलककांत श्रीवास्तव, नगर सह मंत्री आयुष शुक्ला, नगर सहलेख प्रमुख अभिलेख अनुराग मिश्रा, राजीव तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक सिधौली की ग्राम पंचायत नीलगांव में खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह यादव के नेतृत्व में जन चौपाल का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार गौतम ने प्राथमिक विद्यालयों में चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। खंड विकास अधिकारी अजीत सिंह ने पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की योजनाओं के बारे में मीना त्रिपाठी ने जानकारी दी। जन चौपाल से संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल व बिजली विभाग के लोग नदारत रहे। जन चौपाल में पशु चिकित्सक अनिल कुमार वर्मा, सहायक कृषि विकास अधिकारी योगेश कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी रणविजय सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी राम नरेश सिंह, एडीओ पंचायत प्रभारी सुधाकर वाजपेयी, प्रधान कमलेंद्र यादव, अमरनाथ यादव, सुमनलता भार्गव आदि मौजूद रहे। जनता ढाबा टोल प्लाजा खैराबाद में एकलव्य फाउंडेशन लखनऊ द्वारा आयोजित व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित निःशुल्क ट्रक ड्राइवरों हित आंखों की जांच एवं चश्मा वितरण 7 दिवसीय शिविर के समापन दिवस में ट्रक चालकों को चश्मे वितरित किए गए। डॉक्टर अवनीत सिंह, आफ्ताब रजा, मोहित कुमार द्वारा ट्रक ड्राइवरों की आंखों की जांच करके चश्मे वितरित किए गए। समापन दिवस पर मुख्य अतिथि एआरटीओ प्रशासन सीतापुर माला वाजपेयी एवं विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ लिपिक सुदीप आर्या, सतीश कुमार, संस्कृति महाविद्यालय कमलापुर के प्रधानाचार्य अनुज वाजपेयी, वरिष्ठ समाज सेवी श्याम कुमार, बिमल शुक्ला आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सीता रसोई में जन चौपाल का आयोजन किया गया। नामित अधिकारी उपायुक्त श्रम रोजगार सुशील श्रीवास्तव नहीं पहुंचे। इससे पहले भी सरोरा कला की जन चौपाल में भी नहीं आए थे। नोडल अधिकारी की गैर मौजूदगी में कसमंडा ब्लॉक में कार्यरत एडीओ आईएसवी शिव प्रकाश दुबे की अध्यक्षता में जन चौपाल संपन्न कराई गई। इस मौके पर एडीओ पंचायत सुभाष चंद, जेएमआई अजय खुराना, एपीओ चंद प्रकाश, पशु चिकित्सा अधिकारी कसमंडा डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, एडीओ सहकारिता आशुतोष दुबे, सीडीपीओ अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया की ग्राम पंचायत शहादत नगर में सीडीओ अक्षत वर्मा ने पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद चौपाल लगाकर सभी की समस्याएं सुनी। चौपाल के दौरान सीडीओ ने महिलाओं से विधवा पेंशन राशन कार्ड के बारे में अपनी समस्या उनकी समस्याएं जानी, जिस पर सीडीओ ने जल्द ही जल्द समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद सीडीओ ने गांव में ही बने मेजर ध्यान चंद मिनी स्टेडियम का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान ग्राम प्रधान मकबूल, ग्राम पंचायत सचिव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कमलापुर थाना परिसर में समाधान दिवस का आयोजन सीओ सिधौली यादवेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुआ। फरियादियों की शिकायतें सुनी और निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। समाधान दिवस में गैर हाजिर रहे अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिखाते हुए सभी गैर हाजिर अधिकारियों से समाधान दिवस में गैर हाजिर रहने का कारण फोन से पूछा और हिदायत दी, यदि आप लोगों को कोई आवश्यक कार्य है तो आप लोग आकर पहले समाधान दिवस में कार्य का उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र देकर उसके बाद कार्य से जाएं, जिससे यहां आने वाले फरियादियों को कोई दिक्कत ना हो।
कुल 15 शिकायतें आई, इनमें से एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। इस मौके पर SHO पुष्पराज कुशवाहा, लेखपाल शारदा बख्श सिंह, शरद कुमार, मनमोहन कटियार, आशुतोष शुक्ला, रामलखन, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत सांडा में आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों ने छुट्टा गौवंश की समस्या का समाधान किए जाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोलहे राम और क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्ञानेंद्र मिश्रा के साथ मौजूद ग्रामीण चक्कर, प्रताप भार्गव, संजय सरोज, देशराज, रामजीवन, श्रीराम, प्रदीप, संग्राम, पट्टे, दिनेश, अनूप, हरिनाम आदि ने पंचायत में खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत कराए जाने, पात्र परिवारों को आवास और शौचालय की मांग के साथ थी छुट्टा गौवंश की समस्या को प्रमुखता से उठाया। वीडियो सकरण बाबूलाल वर्मा ने जन चौपाल में आई सभी जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण किए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी सांडा डॉक्टर राजेश प्रसाद, खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह, ADO पंचायत श्री कृष्ण सरोज, विनय मिश्रा, शिव मंगल मिश्रा, शिव कुमार यादव, प्रधान अख्तरून, निशा अंसारी आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आइंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।